सेकंड बुक में भी हम आपको इसी तरीके से बता रहे हैं कि जो प्रकाश है उसका डेरिवेशन एक जगह आप ऐसे जो फाइनल आता है वो लिखते जाएं, और उनमें से जिसमें आपको लग रहा हो कि कुछ दिक्कत है उसको लगाकर एक बार देख लें, उसके न्यूमेरिकल एक-एक हर कॉन्सेप्ट का ऐसे नजर जो आपको लगे टफ लगता है या आपसे गलत होते हैं उनको आप लगा लें। और आप डायोड चैप्टर के लिए हम बोलेंगे कि डायोड के बारे में पढ़ लें, और फिर जितने टाइप के डायोड होते हैं जेनर डायोड वगैरह वगैरह इतना याद रखें कि कौन अग्रभिनत पे काम करता है कौन पश्चभिनत पे काम करता है। अगर आप भूल जाए तो अग्र और पश्च का पूरा फिनोमिना वही लिख दें, किसी में थोड़ा ज्यादा डोपिंग होती है मतलब थोड़ा ज्यादा अपमिश्रित होता है, कोई कम अपमिश्रित है वगैरह वगैरह, वो सारे एक तरह से हैं। ऐसे ट्रांजिस्टर आपने देख लिया, अग्र और पश्च के बारे में उसमें भी बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देखें और उसके बाद आप जान जाएंगे कब कॉमन बेस है कॉमन कलेक्टर है कब, इस तरीके से वो चीज आप समझ रहे होंगे कि आप जान जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, बहुत आराम आराम से आप एक सेट बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो आपका मॉडल पेपर का है उसको तो पूरा का पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, इतना बहुत है, आप फोड़ के आएंगे पेपर को। ऑल द बेस्ट।